जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं एलन मस्क जी के, जो मंगल ग्रह पर जाने और वहां से फिर वापस आने वाला जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ है, स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्टारशिप, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि स्टारशिप की डिटेलिंग क्या है, उसके कुछ माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट्स क्या हैं और उसके डिटेल्स क्या हैं, कौन सा इंजन उसमें लगाया गया, कितना लंबा चौड़ा, कैसे क्या सिस्टम, पूरा आज इसी वीडियो में हम टोटल कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि अगर मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति का नाम सुन के अगर मोटिवेट होता हूं तो एलन मस्क जी हैं, क्योंकि वो अलग लेवल पर खेलते हैं। उनका लेवल सोचने का, जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, अलग है। ऐसे ही नहीं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हाँ, उन्होंने जेफ बेजोस जी को पीछे छोड़ दिया है, एलन मस्क जी इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो ये सोचते हैं, लाजवाब सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, इनकी जो टेस्ला कार आने वाली थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड इलेक्ट्रिक कार थी, वहीं इनका जो ये स्टारलिंक का जो प्रयोग चल ही रहा है, स्टारलिंक के थ्रू ये 144 सैटेलाइट एक ही बार में अंतरिक्ष में छोड़ दिए और पूरी दुनिया को ये सैटेलाइट से कवर करना चाहते हैं, कि जो इंटरनेट हम प्रोवाइड करेंगे पूरी दुनिया को सैटेलाइट से प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये जो केबल वाला इंटरनेट होता है, इसमें कोई डिजास्टर आ गया, कहीं तो सुनामी आ गई, कहीं तूफान आ गया, तो ये केबल टूट जाते हैं और वहां की इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए, जब सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्टेड हो, डिजास्टर से कोई मतलब नहीं हो। जैसे हाल ही में जो वो आया था, ज्वालामुखी फटी थी, वहां भी इनका स्टारलिंक काम करता है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टारलिंक यानी सैटेलाइट से कवर करना चाहते हैं सब कुछ। अलग लेवल पर एक और सोच, बंदरों में चिप लगा रहे हैं। हाल ही में सुनाई पड़ा है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है शायद पंद्रह बंदर की डेथ हो गई, लेकिन अब वो कितना सही कितना गलत वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ ये बातें सुनाई हुई है, पड़ी है। वहीं ये अलग ही लेवल पर एक और खेल खेल रहा है, कह रहा है कि हम आने वाले 2022 में ही आने वाले 6 महीनों के अंदर हम अपना मिशन लॉन्च कर देंगे। यानी कि विद इन द 6 मंथ हम मंगल ग्रह पर आदमी को उतार देंगे। बात समझ पा रहे हैं? और ऐसे ही नहीं, इन्होंने प्रमाण भी दिया। क्या? इनकी एक रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट की ये टेस्टिंग जो है काफी दिन से कर रहे थे। पहली टेस्टिंग इन्होंने की 10 दिसंबर 2020 को, दूसरी टेस्टिंग की मार्च 2021 में और तीसरी टेस्टिंग फाइनली इनकी सक्सेसफुल हुई है। ऐसे ही कोई भी, जैसे आज आप सभी सुन रहे होंगे, अरे हटाओ सर, क्या मंगल ग्रह पर जाके वापस आ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे एडिशन जब बल्ब बना रहा था, लोग उस पे हंस रहे थे, बल्ब बना पाओगे? राइट ब्रदर्स, जब वो हवाई जहाज बना रहे थे, लोग उन पर हंस रहे थे, क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो रहे थे। लेकिन अब इन पर कोई क्यों नहीं हंस रहा, क्योंकि एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। दूसरी चीज, जो कहता है बंदा करता है, और उसके बाद में इन्होंने करके प्रमाण भी दिखा दिया है। कहना क्या है इनका, कि हम एक रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, उसे मंगल ग्रह तक लेके जाएंगे, वहां पर यहां से आदमियों को लेके जाएंगे, वहां मंगल ग्रह पर उतारेंगे, वही रॉकेट दोबारा पृथ्वी पर वापस आएगी, फिर लेके जाएगी। जैसे आज के समय फ्लाइट करती है ना, कि एक फ्लाइट यहां से अमेरिका जाती है, वही फ्लाइट दोबारा वापस आती है, यहां से सिंगापुर जाती है, वहां से दोबारा वही फ्लाइट वापस आती है। ऐसा ही ये अलग ही लेवल पर हमारे यहाँ इंडिया में इसरो ने हाल ही में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि ईओएस लॉन्च किया, जिसमें हमारी इंडिया ने पीएसएलवी रॉकेट का यूज किया। बेसिकली अगर आप नहीं जानते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए एक नीचे उसका जो पोर्शन लगाया जाता है उसे रॉकेट बोला जाता है, रॉकेट के थ्रू ही लेके जाया जाता है। पीएसएलवी रॉकेट का यूज किया गया, जो वहां अंतरिक्ष में लेके गया, फिर वहीं पर खत्म हो गया, नीचे वापस आ ही नहीं पाया। मतलब हमारी इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी तक नहीं मौजूद है कि हम सिर्फ 539 किलोमीटर ऊपर लोअर ऑर्बिट में, अर्थ की लोअर ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को छोड़कर पुनः रॉकेट को अपने पास वापस बुला लें।
जो रॉकेट जो वहां तक ले जाता है उसे रियूजबल कर ले, मतलब रियूज कर ले उसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है। वहीं एलन मस्क जी कितने हाई लेवल हाई प्रोफाइल पर खेल रहे हैं, आप सभी सोचिए कि हम यहाँ अंतरिक्ष तक नहीं जा पाते हैं, 539 किलोमीटर इंडिया वाले नहीं जा पाते हैं, वहीं एलन मस्क जी मंगल ग्रह पर मीलों लाखों मीलों करोड़ों दूर जाके वहां पे अपनी रॉकेट मतलब अपने स्टारशिप को उतार के वहां आदमियों को उतार के फिर वो रॉकेट वापस पृथ्वी पर आएगा, यहीं से लेकर फिर दोबारा आदमी को जाएगा। टेक्सास में सारा कारनामा हो रहा है और एलन मस्क जी का कहना है कि हम जो है 6 महीने के अंदर ये कारनामा करके दिखा देंगे। तो अब हम इस स्टारशिप मिशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है कैसे है। इन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया इस पर्पज से कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएं जो चीजों को ऊपर लेके जाए फिर अपना वापस चलाए, रियूजबल हो जाए। तो इन्होंने पहला अपना जो एक्सपेरिमेंट 10 दिसंबर 2020 को किया जो कि असफल रहा, मार्च 2021 में वो भी सफल नहीं हुआ, फिर रिसेंटली अभी जो हुआ है वो सफल हो गया। मतलब इनका रॉकेट ऊपर जाता है जिसका रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, ऊपर जाता है, जाने के बाद वहां से जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसे छोड़ता है, पुनः वापस आ जाता है, वापस आके फिर से ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। एलन मस्क जी का कहना है कि हम एक दिन में 3 रॉकेट हमारी यहां से जाएंगी मंगल ग्रह के, सीधा यात्रा मंगल ग्रह पर करेंगी। अब अंतरिक्ष में जाना तो आम बात रह गई है, वहीं अगर बात किया जाए इस रॉकेट का जो वजन है, वो वजन जो कैरी कर सकेगी, इसका वजन नहीं जो ये कैरी कर सकेगी, 1,00,000 किलोग्राम तक का वजन कैरी कर सकती है, 100 लोगों को एक स्पेसक्राफ्ट यहां से लेके जा सकने वाला है। मतलब एक स्पेसक्राफ्ट जो होगा 100 लोगों को यहां से मंगल ग्रह के लिए एक बार में लेके जा सकेगा। अब इसकी थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टारशिप मिशन की, बेसिकली ये 2 भागों में बटा होगा। नीचे वाला भाग एक रॉकेट होगा जिसे जो बॉटम वाला पार्ट जो हैवी सुपर हैवी बूस्टर के नाम से जाना जाएगा, इसका नीचे वाला जो पार्ट होगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो स्टारशिप के नाम से जाना जाएगा। टोटल अगर स्टारशिप और सुपर हैवी बूस्टर पूरा के मिला की लेंथ की अगर बात किया जाए तो ये टोटल मिलाकर 116 मीटर लेंथ होगी इसकी, या 394 फीट हाइट होगी इसकी। अगर इसके सरकम उसके डायमीटर की अगर बात किया जाए कि मतलब कितना इसका डायमीटर होगा, 35 फीट इसका डायमीटर होगा। मतलब आप रूम देखते हैं आपके घर में जो रूम बना होता है, एक रूम की बेसिकली जो चौड़ाई होती है, विथ जो होती है वो 12 फीट के आसपास होती है, 10 या 12 फीट। ऐसे ऐसे 3 रूम आप जोड़ दीजिए, 3 रूम उतना बड़ा इसका डायमीटर होगा, 3 रूम के बराबर, और 394 फीट यानी कि 160 मीटर, 394 फीट यानी कि 39 मंजिला घर, 10 फीट का एक मंजिला बनाया जाता है हमारे यहां, तो 39 मंजिला 3 कमरा, मतलब 3 रूम 39 मंजिला तक, इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा, आप सभी समझ रहे हैं। एक बिल्डिंग आप देखिए जिसको 3 रूम जिसमें बने हो और 39 मंजिला उसमें बना हो, और इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी है 182 मीटर की, उससे टोटल ये 116 मीटर, अब आप उससे इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी कितना बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा। कहा जा रहा है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट ये स्टारशिप है, सैटर्न 5 जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया था उससे भी बड़ा ये स्पेसक्राफ्ट है, बात समझ पा रहे हैं। अब इसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सभी कुछ समझ गए होंगे क्या है, अगर इसकी बात किया जाए स्पीड की तो 18,000 मील पर आवर ये उड़ेगा। मतलब हमारी जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे होते हैं एरोप्लेन्स, वो अगर लोअर ऑर्बिट में उड़ रहे हैं मतलब नेशनल फ्लाइट्स हैं तो वो 700-800 किलोमीटर पर आवर उड़ती हैं, वहीं अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 1,100 पर आवर किलोमीटर मतलब वो पर किलोमीटर आवर उड़ती है, वहीं ये 18,000 मील पर आवर उड़ेगा। मतलब अमेरिका से यहां 1 घंटे में, कहीं भी जाना हो 1 घंटे में। मतलब इसका यूज जो है सिर्फ मंगल ग्रह पर जाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका से यहां यहां से वहां, मतलब नॉर्मल जैसी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं उस हेतु भी इसका यूज किया जा सकेगा। ये अलग ही लेवल पर खेल रहा है, कह रहा है जनसंख्या बढ़ाओ, अगर जनसंख्या नहीं होगी तो मैं मंगल ग्रह पर लेके किसे जाऊंगा,
लोग कह रहे हैं वहां ऑक्सीजन नहीं, अरे टेंशन काहे ले रहे हो जी, हम पानी पहुंचा देंगे, बाजार पहुंचा देंगे, मार्केट पहुंचा देंगे, सामान पहुंचा देंगे, ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, मंगल ग्रह पर सब कुछ हम पहुंचा देंगे। पर डे 3 फ्लाइट हम लेके वहां पर जाएंगे, 3 स्पेसक्राफ्ट वहां पर लेके जाएंगे। जैसा आज के समय में हमारे अर्थ पर सब कुछ अवेलेबल है, उसी प्रकार से हम वहां एक मार्केट ही बना देंगे। सर काहे परेशान होते हो, हम सब कुछ कर देंगे, बस परेशान आप मत होइए, आप मंगल ग्रह पर जाने के लिए रेडी होइए। एलन मस्क जी, अगर बात वाकई में ऐसे ही नहीं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ऐसे ही नहीं, इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कुछ अलग है, कुछ अलग करने को सोच रहे हैं और कुछ अलग हो भी रहा है। आप लोगों को अभी ये नजारा पता नहीं कैसे लग रहा होगा, लेकिन विद इन द 6 मंथ अपने यहां यानी कि पृथ्वी का आदमी मंगल ग्रह पर उतर गया होगा इसी स्पेसक्राफ्ट से। तो ऐसा करता हूं, स्टारशिप के बारे में आप सभी सही समझे होंगे और ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।